को सीधे लिए चलते हैं, जम्मू कश्मीर जहां पर इस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बिल्कुल महबूबा मुफ्ती, मंत्रिमंडल का ये विस्तार, और आपको बता दें कि मैं एकराज साले करता हूं, रियासती आईन पर जो कानून की उसे करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा और इसके तय वफादारी बरतूंगा, ये कि मैं हिंदुस्तान की खुदमख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा, ये कि मैं उस फर्ज को जो मुझे सौंपा जा रहा है वफादारी और फर्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिना किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं मजीद खुदा के नाम पर हलफ उठाता हूं कि मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास एकराए सारे करता हूं क्यों को किसी मामले जो मेरे जेर को लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर अलिम हो कि इतला नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, मां सिवाय ऐसी सूरत के जबकि मुझे ऐसे वजीर की हैसियत से फराइज की बाजायबता सरंजाम दही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। शपथ ले रहे हैं पीडीपी कोटा से। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पीडीपी कोटे से अभी दो मंत्री शपथ ले रहे हैं और बीजेपी के कोटे से छह मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें डिप्टी सीएम के पद पर कविंदर गुप्ता अब पदभार संभालेंगे। इससे पहले निर्मल सिंह थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और आपको बता दें कि जो कठुआ कांड हुआ था उसके बाद बीजेपी के दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद ये पूरा रीशफल हो रहा है। इस रीशफल में अब दो पीडीपी के कोटे से दो मंत्री आ रहे हैं और बीजेपी के कोटे से छह मंत्री शपथ लेंगे आज। बिल्कुल, फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं। पीडीपी कोटे से मोहम्मद खलील शपथ ले चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब एक और मंत्री यहां पर शपथ लेंगे, छह मंत्री बीजेपी के कोटे से और दो मंत्री पीडीपी। कम ऑन द स्टेज एंड टेक ओथ एज अ मिनिस्टर फॉर द स्टेट। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं वय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।